हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो फिलहाल मैं आया हूं गाजीपुर की गौशाला में। आज गाय को खिलाएंगे गुड़। चलिए चलते हैं, उतरते हैं नीचे। आप देख रहे हो गौशाला आ गई है गाजीपुर की। कई दिन के बाद आया हूँ, देखो आ गए हैं। तो गाइस सबसे पहले पढ़ते हैं गुड़ पंडी में। दो पेटी लाया हूँ, देखिए रखिए गुड़ है, बढ़िया वाला गुड़ है। ले लिया हमने गुड़, दूसरा था यार, जो उस जो हमारा रेट का भाव होगा था वो दूसरा था, लेकिन ये दूसरा दे दिया उसने। चलो कोई बात नहीं, हम उससे बोलेंगे। अच्छा गौशाला, ये नज़ारा गौशाला का देखिए, साफ सुथरे गार्डन बन गए, देखिए कितना सुंदर है। ये कबूतर वगैरह बैठे हैं इधर, बहुत बड़ी गौशाला है। तो चारा के लिए चलते हैं, चारा की पर्ची कटवा ली है, चलते हैं। गाय गाय हैं, गौशाला काफ़ी बड़ी है, गाजीपुर में है, बहुत बड़ी है। कई नस्ल की गायें हैं यहाँ पे, कई नस्ल की गायें हैं। ये देखिए गाय डॉगी कैसे बैठा है, कितनी सारी गायें हैं, खिला देंगे। खा लिया खा लिया भाई जी। ये देखिए हम आ गए हैं जहाँ पे घास कटर मशीन है, वहाँ पे मजदूर लगे हुए हैं। जितना कट्टे आपको चाहिए उतने की पर्ची कट जाती है, और वो यहाँ मशीन पे कटिंग करवा के आपको ले जाना होता है। जहाँ जिस साइड भी गाय भूखी होते हैं उधर ले जाना होता है। देखिए कटर मशीन से जो है घास कट रही है, और ये भाई लोग भर रहे हैं बोरियों में, और इसके बाद लोड कर रहे हैं ये रिक्शे में। रिक्शे करके लोड करके ले जाएंगे जहाँ पे गाय होंगी वहाँ पे। तो मैं इधर ही कटवा रहा हूँ, और जो गाय भूखी होंगी ज़्यादा वहाँ पे इनको ले जाऊँगा, और अपने हाथ से गायों को डालूँगा घास और गुड़ दोनों। तो काफ़ी मन को अच्छा लगता है। और गाय आप लोग भी अपने बच्चों के साथ हफ्ते में एक दिन कोई सा भी बांध दीजिए, चाहे वो मंगलवार हो, चाहे वो शनिवार हो, चाहे संडे हो, जिस दिन आपकी छुट्टी रहे, जिस दिन आपको ठीक रहे, ज़रूर बच्चों के साथ आइए, और आपको काफ़ी आनंद आएगा, और ऐसा करना भी चाहिए। गाइज मैं तो आज सैटरडे था, मैं आज आया हूँ गौशाला, कई दिन के बाद आया हूँ गाइज, तो मेरा मन बहुत गदगद हो गया है। कई बारी तो आना नहीं होता, लेकिन आज आया हूँ तो मेरा मन बहुत खुश हो गया है। आप लोग भी आइएगा। ये है गौशाला गाजीपुर में, बहुत बड़ी गौशाला है, तकरीबन काफ़ी गाय हैं यहाँ पे, और हर तरह की गाय है यहाँ पे। ज़्यादातर जो दूध यहाँ पे दूध भी शाम के टाइम पे मिलता है, सुबह लगभग 7:30 या उससे पहले दूध बढ़ चुका होता है गर्मियों में, सर्दियों में शायद 7:30 तक बढ़ता है। चलिए मैं आ गया हूँ गौशाला, और हम खिला रहे हैं अभी गायों को गुड़, और घास जो भूसा हमने था हरा भूसा कटा जो, वो हमने डाल दिया गायों को, खा चुकी हूँ, उसके बाद हम गुड़ खिला रहे हैं। गुड़ के खिलाने के बहुत खुशी है मेरे को, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो गाइस मज़ा आ गया है, खिला दिया है गुड़, अब जा रहे हैं अपनी गाड़ी पे वापसी। काफ़ी बड़ी है गौशाला, है बहुत ही सुंदर बनी है। वापसी आ गए हैं, चलते हैं। यार गुड़ ये वाला गुड़ है ही नहीं जो उसे दिखाया, 60 रुपये वाला, ये देखो इसमें भी हुई है। तो गाई जी जो हमने गुड़ लिया झील मंडी के पास है, सब्जी मंडी के पास है, उन भाई साहब से लिया, जो एक उन्होंने बताया था 50 रुपये किलो, और दूसरा बताया था 60 रुपये किलो, पेटी में 10-10 रुपये कम किए थे। तो हमने दो पेटी ली उनसे, दो पेटी के बन रहे थे वैसे 1000 रुपये, जो गोरा वाला था, गोरा टाइप का गुड़ था वो, बिना मसाले वाला बता रहे थे वो। तो मैंने कहा भाई कम कर लो, गाय के लिए लेने दो पेटी लेनी, तो उन्होंने 1000 रुपये बोला, 1000 रुपये दे दो, फिर भी उन्होंने 20 रुपये, मैंने कहा जो और कम करना, तो 20 रुपये और उन्होंने और वापसी दिए। अब वो गलती से 200 पेटियाँ आई जो उन्होंने 50 रुपये बताई थी, यानी जो पेटी में 400 रुपये पेटी बताई थी
वो उन्होंने गुड़ दे दी है, हो सकता है उनसे गलती लगी हो, गाय के लिए वो ऐसे करेंगे नहीं, तो हम उन हमारा फ़र्ज है उनको एक बार बताना क्या कहते हैं वो। चलिए उन गुड़ वाले भैया के पास चलते हैं, झील सब्जी मंडी। लिया था गुड़, ये देख रहे हो आप, गुड़ लिया था यहाँ से, तो इन्होंने दूसरी पेटी दे दी हमको, हम जा रहे हैं वापस। तो गाइस फिलहाल मैं दुकान पे पहुँच गया हूँ, कलर का फ़र्क है थोड़ा सा, मैं आया था इनसे पता करने के लिए, तो ये कह रहे नहीं भाई कलर का डिफरेंट हो जाता है, जो चाशनी वगैरह होती है ना उसका फ़र्क होता है कलर, ये मैंने देखा था, लेकिन वो थोड़ा जो है ना ये इस टाइप का है, तो मतलब सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, क्वालिटी सेम दी है उन्होंने, चीज़ बढ़िया है। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। सुबह मैंने गाय के लिए गुड़ लिया था, काफ़ी अच्छा दिया इन्होंने, बहुत अच्छा लगा, तो चलिए हम चलते हैं वापसी, इन्होंने दे दिया गुड़, तो पेटी ले ली है हमने, बस खिलाया है गुड़। ठीक है चलते हैं। गुड़ का तो पता कर लिया है, बाकी क्वालिटी सही थी, वो कलर का फ़र्क था, इसलिए मैं वापसी आ गया था पता करने। बाकी मैं आप जा रहा हूँ ऋषभ मोटर पे, थोड़ा सा आप गाड़ी है जो आर्टिका, उसके जो शोकर हैं वो पता करते हैं, और फिर चलेंगे नहाने धोने, फिर उसके बाद ड्यूटी आएंगे गाइस। तो चलिए फिलहाल चलते हैं ऋषभ मोटर। आ गए हम ऋषभ मोटर पे, ये है यहाँ पे शॉप, ऋषभ मोटर की शॉप है ये देखो, तो यहाँ पे चलते हैं शॉकर पता करते हैं। अभी लगा दिया, चलते हैं ऋषभ मोटर। ये हैं आर्टिका के भाई, झील खुरेजी जहाँ से हमने गुड़ लिया था, वहाँ से आके हमने नहा धो के कपड़े पहन के अब ड्यूटी पे आ गया हूँ। फिलहाल आ गया हूँ सिविक सेंटर, ये देखिए कितना भारी समोसा है, कनाट प्लेस में मिलता है सीपी में, एक समोसे में ही चार समोसे के जैसा असर होगा पक्का, एक आदमी का पेट फुल भर जाता है इससे। तो चलिए गाइस हम खाते हैं समोसा, ऐसे ही खूबसूरत ब्लॉग के साथ मैं आपको फिर मिलूँगा नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।